सुपरस्टार रजनीकांत वर्सेस प्रभास टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज। रजनीकांत की 10वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी काला है, जिसका बजट 130 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 152 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं प्रभास की 10वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी रिबेल है, जिसका बजट 40 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 44 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। और यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है सुपरस्टार रजनीकांत को। रजनीकांत की 9वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी लिंगा है, जिसका बजट 125 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 152 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं प्रभास की 9वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी मिस्टर परफेक्ट है, जिसका बजट 18 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 47 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से रजनीकांत को ही मिलता है। रजनीकांत की 8वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी शिवाजी है, जिसका बजट 60 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 153 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं प्रभास की 8वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी मिर्ची है, जिसका बजट 35 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 87 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से रजनीकांत को ही मिलता है। रजनीकांत की 7वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी अनाते है, जिसका बजट 110 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 159 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं प्रभास की 7वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी राधेश्याम में, जिसका बजट 300 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 152 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से रजनीकांत को ही मिलता है। रजनीकांत की 6वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी पेटा है, जिसका बजट 135 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 223 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं प्रभास की 6वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी आदिपुरुष है, जिसका बजट 400 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 395 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट प्रभास को मिलता है। रजनीकांत की 5वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी दरबार है, जिसका बजट 200 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 226 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं प्रभास की 5वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी साहो है, जिसका बजट 350 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 442 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट प्रभास को मिलता है। रजनीकांत की 4वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी रोबोट है, जिसका बजट 130 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 290 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं प्रभास की 4वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी सलार है, जिसका बजट 300 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 623 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से प्रभास को मिलता है। रजनीकांत की 3री हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी कबाली है, जिसका बजट 120 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 295 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं प्रभास की 3री हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बाहुबली फर्स्ट है, जिसका बजट 180 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 632 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से प्रभास को मिलता है। रजनीकांत की 2री हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी जेलर है, जिसका बजट 180 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 605 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं प्रभास की 2री हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी कल्की है, जिसका बजट 600 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से प्रभास को मिलता है। रजनीकांत की फर्स्ट नंबर पर हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2.0 ने किया था, जिसका बजट 540 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 675 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं प्रभास की फर्स्ट नंबर पर हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बाहुबली 2 ने किया था, जिसका बजट 250 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 1814 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से प्रभास को ही मिलता है। तो आज के हमारे इस वीडियो के विनर है प्रभास, जिनको सबसे ज्यादा पॉइंट मिले। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों का फेवरेट एक्टर रजनीकांत या प्रभास, मुझे कमेंट जरूर करना। अगर आप ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।